sing. I'm of course very happy. Meet brothers, मेरे बहुत अच्छे friends हैं और दोनों भाई बहुत ज़्यादा sweet हैं. उनके घर में भी जब भी कोई function होता है, I make sure कि मैं ज़रूर जाऊँ क्योंकि इतना खुशी का मौका है तो I had to come of course. और I'm so proud of them. इतने ज़्यादा प्यारे songs वो कर रहे हैं, industry को दे रहे हैं and I'm really happy. मुझे बहुत बहुत खुशी है कि इतने अच्छे अच्छे awards उन्हें मिल रहे हैं और अभी तो ये शुरुआत है. I'm just telling you, ये तो actually शुरुआत है और उन्हें पूरी इंडस्ट्री पे वो ऑलरेडी छा चुके हैं और बहुत छा जाएंगे और बहुत सारे अवार्ड्स लाने हैं. मैं थोड़ी कम एक्टिव रहती हूँ एक्चुअली. बाय नेचर भी मैं बहुत ज़्यादा कहते हैं इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ गर्ल आई एम. तो लेकिन अगर अभी आपने जैसे कहा है तो आई विल ट्राई टू बी मोर एक्टिव नाउ ऑनवर्ड्स. आई विल ट्राई जी. वो सब डिपेंड करता है कि कौन सा गाना किसको पसंद आ जाए, कौन सा गाना किसे पसंद आया और किस गाने के लिए अवार्ड मिलता है. आई रियली डोंट नो. लेकिन फिलहाल तो हम यहाँ पर मीत ब्रदर्स सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं एंड आई एम रियली हैप्पी. मैं चाहती हूँ कि ये जो तांता लगा है ये लगा रहे और बहुत सारे अवार्ड्स इन्हें मिलते रहे. क्योंकि अभी मस्ती का माहौल है तो मैं अपना लंदन तुमक्का गा देती हूँ. चुमकदा चुमकदा लंदन, चुमकदा चुमकदा चुमकदा, तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लंदन चुमकदा. ओ जदू नचे पैन दी पूरा लंदन चुमकदा. थैंक यू, थैंक यू. ये भाई इधर तारी गिन गिन जा चतेरी में ते जगर रतन. आओ यार भाजी, आओ यार भाजी, आओ सर, आओ. नहीं नहीं कम कम आओ यार अपनी भाजी. तो तोड़ दी बिल्कुल जी. मुझे बहुत खुशी है, दोनों मेरे भाई तरक्की कर रहे हैं एंड हमेशा जो भी आदमी मेहनत करता है उसने आगे आने जाना है एंड बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने बना रहे हैं. और एक तो मेरी झोली में भी सुपरहिट गाना पड़ा है आज. पार्टी तो बनती है जो कि सुपरहिट गाना था, उसी वजह से तो पार्टी हो रही है भाजी. उसी वजह से उसकी लाइन भी आज पार्टी की तो बनती है, यही लाइन है. और बता दो भाजी ने हमें सबसे पहले, हम लोग जब ए भाई तूने पप्पी जूली के गाने के बाद बोला कि तुम दोनों बड़े मेहनती हो, म्यूजिक हमें सजेशन दिया था और तब हमने इनकी बात पे गौर करके शुरू करा. और बहुत सारे गाने अच्छे हैं और बहुत सारे फिल्मों में गाने आ रहे हैं एंड मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे दोनों भाइयों को कि ऐसी रॉक करते रहे. एंड नाउ वी हैव सुखवीर, तारे गिन गिन राज तेरी, मैं ता जागा रहता हूं, जो कुमार जी हैं जो आजकल के नंबर वन राइटर हैं. वो पहला गाना इनके लिए उन्होंने लिखा था, वो था हो 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 हो. विश माय ब्रदर्स ऑल द बेस्ट यार. थैंक यू सो मच ब्रदर, आई एम सो ग्लैड टू हैव यू. कांग्रेचुलेशंस. यार सेलिब्रेशन का ट्रेंड ही मैंने शुरू करा है. मेरे पास जितने भी स्टार्स हैं उन्होंने पार्टी शुरू करी है, उन्होंने बर्थडे शुरू करे हैं. यू नो किंग मेकर सिंह स्टार्टेड द ट्रेंड बिकॉज़ पंजाबी ऑलवेज रॉक. चीयर्स. Thank you.
इधर खड़ा तेरा फ्रेंड आ होगा बहुत आज जो है बहुत बड़ा दिन है, बड़ी खुशी का दिन है, इसलिए कि ये जो दोनों हैं मीर ब्रदर्स, ये हमारे बहुत ही करीबी दोस्त है। और लास्ट पिक्चर में जो मैंने फिल्म बनाई थी प्यार वेलकम बैक, उसने गाने भी दिए थे। तो इस साल जो है सारे अवार्ड इनको मिले हैं, तो ये पार्टी तो बनती है, तो बस वही खुशियाँ मनाने, उनको उनको मुबारकबाद देने और उनको दुआएं देने आए हम लोग। बेसिकली मीट ब्रदर्स में सबसे अच्छी बात है कि ये एक मुझे ऐसा पसंद लगता है कि एक ऑडियंस का पल्स इनकी समझ में आया है, क्योंकि एक साथ आप देखिए उनके कितने गाने हिट हुए हैं। बहुत ही डाउन टू अर्थ लोग हैं, साथ काम करना बहुत आसान है, बहुत मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि भाई एक बना दिया बस यही है, तो वो एक एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो इस बार इनको ये सारे अवार्ड जो मिले हैं और एक क्लीन स्वीप हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत खुशी की बात है। अभी अभी उसका थोड़ा काम चल रहा है, उसके बारे में जरूर बताऊंगा मैं। मुझे लगता है ये जिसको कहते हैं कि हम कुछ म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं जो फिल्म को समझते हैं, एक अलग है होता है म्यूजिक बहुत अच्छा देना और एक होता है कि फिल्म का म्यूजिक देना। तो जब फिल्म की कहानी मैंने उनको 10 मिनट में पूरी समझाई तो उनको समझ में आ गया, और इमीडिएटली, इसलिए कि मुझे लगता है कि वो डूब के सुनते हैं, समझते हैं, मेहनत करते हैं। और उन्होंने जो पहली ट्यून सुनाई वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसमें और बैठने की ज़रूरत है। तो ये वो लोग हैं जो मुझे लगता है फिल्म को समझते हैं अच्छी तरह से। पुराने गाने एक मैं बताना मुश्किल होगा, 10-15-20-25 गाने ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, और वो अगर ऐसा मौका मिला कि कहीं डालना है तो आप जरूर सुनेंगे। थैंक यू, थैंक यू। And I think it's a great opportunity to be a part of this event, and I'm really glad that, you know, like they have received so many awards, and obviously they are immensely talented, and I'm really happy to be a part of this. I like Chitiya Kulaiya. Valentine's Day is around the corner, so what's your plan for that? My plan for Valentine, that's a secret. That's a secret. Okay, and name any one actor that you like to date and give a reason also. I like simple guys, so I don't really think I would date any actor, but then I like Salman Khan and Hrithik Roshan. जी obviously I think by the mid of this year you're going to get some news, and Great Grand Masti is releasing sometime in March or April. Yeah. Yes, there are a lot of projects in pipeline, but I can't really discuss about them right now. Thank you. Please come, please come. बिल्कुल, हमारी एसोसिएशन इनके साथ काम से शुरू हुई, बट नाउ वी फ्रेंड्स। प्राइमरीली जैसे हमारा बेबी डॉल आया, एंड देन उसके बाद बेबी डॉल सनी लियोनी के लिए बहुत लकी रहा, तो वैसे ही हम चाहते हैं कि शी इज़ अ वेरी प्रिटी फेस, एंड इनका एक ऐसा वीडियो है हमारे साथ, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं टी सीरीज के साथ, जो कि हिंदुस्तान में इट शुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग। होपफुली अगले साल 2016 में अवार्ड मिले हम लोगों के साथ में। थैंक यू सो मच।